हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नई कंपनी टैली ERP 9 में कैसे क्रिएट करते हैं, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नई कंपनी जब टैली ERP 9 में क्रिएट करते हैं तो उसमें लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम चलते हैं टैली ERP 9 में। टैली ERP 9 खोला, इसमें देखेंगे कि हमारे ABC लिमिटेड नाम से कंपनी पहले से बना हुआ है, जिसमें किसी तरह कोई वाउचर और किसी तरह कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पर देखेंगे लिखा आ रहा है कि नो वाउचर एंटर्ड, मतलब इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में किसी तरह का कोई वाउचर और एंट्री या मतलब लेजर वगैरह कोई क्रिएट नहीं है। तो हमें अभी फ़िलहाल क्या करना है कि हमें लेजर क्रिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद अकाउंट इन्फो में जाएंगे। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद उसके बाद देखेंगे कि यहाँ लेजर आता है, लेजर में जाएंगे। लेजर के जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तीन ऑप्शन आता है, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। तो इसमें क्रिएट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अपने नई खोला है या बनाया है टैली ERP 9 में, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे किसी तरह कोई लेजर पहले से नहीं होता है, तो जो भी नई लेजर क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हमें क्रिएट में जाते हैं। और डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए पहले से आपने बहुत सारे लेजर बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि देखें कि टैली ERP 9 में पहले से कौन कौन से लेजर बना हुआ है, तो उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, डिस्प्ले में। और अल्टर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई अपने पहले का लेजर बनाया हुआ है और उसमें किसी तरह कोई एरर या त्रुटि है और उसको आप चाहते हैं कि एमेंड करें या सुधारें, तो उसके लिए हमें अल्टर में जाकर उस चीज़ को सुधारें या एमेंड कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल अभी क्या करना है, हमें लेजर क्रिएट करना है। तो हम लेजर क्रिएट पर जाएंगे, क्रिएट पर क्लिक किए, इस क्रिएट पर जाते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस पर देखेंगे कि एक बॉक्स खुलता है जिसमें सबसे ऊपर लिखा होता है नेम। नेम इसमें उस तो नाम डाला जाएगा जैसे मान लीजिए जिस नाम से आपको लेजर क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए हमने कोई पार्टी से कोई सामान खरीदा है और उसका लेजर हमें इस टैली ERP 9 में क्रिएट करना है, तो उससे सबसे पहले ऊपर में क्या डालेंगे, उस पार्टी का नाम। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टी है जिसका नाम रामू इंटरप्राइजेज है, ठीक है, तो रामू इंटरप्राइजेज, या मान लीजिए कोई राहुल इंटरप्राइजेज करके कंपनी है जिसे हमने कोई माल खरीदा है और उसको टैली ERP 9 में इंटर करना है, तो उसके लिए पहले सबसे पहले लेजर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। लेजर क्रिएट करने के बाद जैसे मान लीजिए जिसे हम माल खरीदते हैं वो क्या होता है, हमारे लिए सेंट्री क्रिएटर्स होता है, तो जो अंडर होता है अंडर में क्या आएंगे, सेंट्री क्रिएटर्स। जैसे ही इसमें हम आप सेंट्री लिखेंगे तो साइड में देखेंगे तो एक बॉक्स खुलता है जिसमें लिस्ट ऑफ ग्रुप लिखा होता है, ठीक है, टेबल खुलता है, इसमें आप सेंट्री क्रिएटर्स ये सिलेक्ट कर लेंगे। सेंट्री क्रिएटर्स सिलेक्ट करने के बाद आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि महीने में हमने बहुत सारे 4-5 बिल परचेज किया है, और क्या होता है कि अकाउंट में क्या होता है कि जो पुराना बिल होता है उसको पहले हम पेमेंट करते हैं, तो बिल बाय बिल का मतलब ये होता है कि हम बिल बाय बिल मैनेज करते हैं, जो पुराना बिल होता है उसको पहले पेमेंट करते हैं। इसमें जो अकाउंट्स में यही ज़्यादातर मेथड यही चलता है कि फीफो मेथड चलता है, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है जी। तो अभी हम फिलहाल मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर देंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आता है एड्रेस। एड्रेस में पार्टी के नाम आएंगे, जिस पार्टी के नाम से हम लेजर बना रहे हैं उस पार्टी का पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे मान लीजिए राहुल इंटरप्राइजेज है, ये इसका जो एड्रेस है करोलबाग दिल्ली। उसके बाद यहाँ डालने के बाद उसका आप मोबाइल नंबर जो भी डिटेल होगा आप यहाँ पे ईमेल आईडी या वेबसाइट वगैरह जो होगा वो आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद कंट्री में ऑटोमेटिक इंडिया आएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद नीचे आने के बाद स्टेट पूछता है, तो राहुल इंटरप्राइजेज कौन से स्टेट का है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, तो राहुल इंटरप्राइजेज करोलबाग दिल्ली का है, तो यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही दिल्ली लिखेंगे तो साइड में एक बॉक्स खुलेगा लिस्ट ऑफ स्टेट का, उसमें से आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। वो साइड में जो बॉक्स खुलेगा उसमें सारे स्टेट का नाम होते हैं, उसमें से आप जिस स्टेट का पार्टी होगा उसका नाम सेलेक्ट कर स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आती है फिर करोलबाग, जैसे मान लीजिए उस एरिया का पिन कोड क्या है, मान लीजिए उस एरिया का पिन कोड जैसे मान लीजिए 1111005 है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, वैसे जो भी होगा वो आपको यहाँ पे क्रिएट कर दी। ये होता है टैली टैक्स रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब पैन नंबर, जैसे मान लो अगर सामने वाले पार्टी का पैन नंबर है तो उसमें पैन नंबर डाल दिया, उसके बाद पैन नंबर डालने के बाद ओपनिंग बैलेंस में जाके आप क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो रहा आपका क्रिएट कर देंगे इसको, ठीक है।